बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल माय विलेज फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज हमने बनाई है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, फुल चिकन बिरयानी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, और ये अब इसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया डाल रहा हूँ। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, और कैसी ये हमारी वीडियो बनी है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकान को ज़रूर दबाएँ, और इसी के साथ आप पूरी वीडियो देखिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या कर रहे हो? नमक, नमक के साथ इसको अच्छे से धोएंगे मिक्स करके। अंदाज़ है।
चिकन को हमने डीप कट लगा लिए, चारों तरफ से जो है इनको कट लगा लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हल्दी पाउडर, देसी रेड मिर्च, नमक, गरम मसाला, खुश्क धनिया, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, टमाटर और सब्ज मिर्च। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चाट मसाला, कोरमा मसाला, मुर्ग मसाला, बिरयानी मसाला, कसूरी मेथी और घर का खुद का बनाया हुआ मसाला, प्याज, इमली और थोड़ा सा खुश्क आलू बहारा, दही, सब्ज धनिया थोड़ा सा और साथ थोड़ा सा पुदीना, अब तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा घी, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, लौंग और जीरा, पानी उबल गया, अब चावल शामिल करेंगे। ये सुपर के चावल हैं, सुपर कर्नल बृहस्पति।
ये हमारे घर के चावल हैं, पुराने चावल हैं 2 साल, और पुराने चावल जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त पकते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल, लेमन का रस, फिर थोड़ा सा प्याज। कुकिंग ऑयल, सब्ज़ धनिया और पुदीना, चावल, लेमन बारीक कटे हुए, टमाटर, दो तीन इमली की गिटके और आलू बुखारे की, ऑयल, सब्ज़ धनिया और पुदीना, गंदम का आटा, इसको सख्त रख के गूंध लिया, जर्दे का रंग, थोड़ा सा वजन रखेंगे इसके ऊपर ताकि बिल्कुल जो है ये नीचे बैठ जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। अब इसको हम उतारेंगे नीचे और उसके बाद करेंगे चेक। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, ये देखें मुर्गी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है।
चिकन हमारा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, कमाल है।